पानीपत में नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के प्रस्तावित चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सांसद संजय भाटिया, बीजेपी के सभी पार्षद समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि पानीपत में सभी पार्षद बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका समर्थन करेंगे। चुनाव में वोटिंग को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी रीति नीति से काम करती है। जिस पार्षद को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी दी जाएगी उसका भी सभी समर्थन करेंगे। जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें हमारे एमपी महोदय आदरणीय संजय भाटिया जी हमारे बीच में विधायक के साथ, तो हमारा जो सीनियर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव बाकी है उसके बारे में लोगों के बीच में, पार्षदों के बीच में, अपने परिवार के लोगों को पूछना है कौन बनाना है और किसको जिम्मेदारी दी जाए, उस पर विचार विमर्श करना है। लोगों ने अपने विचार दिए, संगठन के साथ हैं लोग, संगठन की जो संगठन करेगा उसके साथ है। सभी 26 पार्षद बीजेपी के हैं, उन्हें संगठन पर भरोसा रखा है और जो संगठन कहेगा उसके लिए तैयार, लेकिन और सब लोगों ने संगठन की बात की, संगठन के साथ है। और बीजेपी की रीति नीति है, रीति नीति पर चलती है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। इस दौरान उनके साथ करनाल के सांसद संजय भाटिया, पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर, करनाल लोकसभा प्रभारी गजेंद्र सलूजा और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम के सभी पार्षद मीटिंग में उपस्थित रहे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।